नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज तो कमेंट्स लेंगे पहले उसके बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और उसके बाद एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो तीनों मिलके आज का वीडियो है तो पहला कमेंट्स ले हैं थे फैंकला बोल रहे है, ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो निवेश का बोल लीजिए बहुत बहुत ही बढ़िया है ग्रीन एनर्जी बहुत ही बढ़िया है एग्जैक्टली exactly, इसका स्कोप बहुत अच्छा है लेकिन फिलहाल ये परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना अच्छा दो साल पहले कर रहा था ठीक है तो जिनका भी लॉन्ग टर्म का हराइजन है तो वो ले सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंटली नहीं कर रहा है बाकी पोर्टफोलियो के बाकी स्मॉल के तुलना में ऊपर चलते है एस के बी बोल रहे हैं सुपर मल्टीप्लाय स्म तो इन्वेस्ट इन ट्वेंटी फाइव इन्वे लैक्स and I need only small uh, small case which is five lakhs or less so मैं जो लिया हूँ uh, पांच स्टॉक्स के नीचे ही है एक है दो स्टॉक्स एक है पांच स्टॉक्स so, आप वो consider कर सकते हैं और सुपर मल्टीप्लास ये काफी अच्छा स्मॉल केस है हालांकि रिसेंटली काफी volatile जा रहा है लेकिन काफी अच्छा स्मॉल केस है वो तो ऊपर चलते हैं साजिद आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है आप देख लीजिए अनिमे सिंह बोल रहे हैं भाई दो हफ्ते से डेली देख रहा हूँ अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है आप कहना रोबे का ये इनका पोर्टफोलियो का है तो ऑलरेडी है इनका जो इनका लिखा है ऑलरेडी थैंक यू भैया हाँ ठीक आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो चुका है हाँ uh, तो ऊपर चलते हैं थैंक्स फॉर नॉलेज ब्रदर्स कीप शेयरिंग तो ऑलवेज तो आप आप लोगों के नॉलेज के लिए है बेसिकली जो भी मैं म्यूचुअल फंड और uh, स्मॉल गिस्ट का पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ रि, रिसेंटली स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी शेयर कर रहा हूँ मिस्टर हीलर जी के पर्टिकुलरली आई कॉल द नेम मिस्टर हीलर तो उनके वजह से मैं स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी शेयर किया क्या कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी बार मुझे रिक्वेस्ट किया है कि अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए तो मैं सारे ही सब कुछ शेयर कर रहा हूँ मैं शेयर करने का एक ही एक ही मोटिव है कि आप लोगों का जानकारी हो और कुछ नहीं है अम्बरीश बोल रहे मुझे पता नहीं कौन कौन मुझे पता है कौन सा स्टॉक्स है बट रेस्ट एश्योर नहीं बताऊंगा तो हाँ ये स्मॉल केस का स्टॉक्स नहीं बताना चाहिए क्योंकि अः ये प्रीमियम प्रीमियम चीज है जो पैसा दे के लेन, लेना लेना पड़ता है तो ये बताना नहीं, नहीं चाहिए मुकुट मुट्टुक जी बोल रहे हैं हाउ मच यू पे देखिए छब्बीस हजार मैं पे कर रहा हूँ अभी तक तेरह हजार पे किया हूँ सुपर मल्टीप्लास के लिए जो ईयरली फीस है छब्बीस हजार वो छह महीने के लिए थर्टीन थाउजेंड पे किया हूँ और स्मार्ट वैल डिफेंस के लिए फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे किया हूँ अभी तक जो कि छह महीने के लिए है तो टोटल एक, एक साल का होगा उसका ग्यारह हजार तो टोटल छब्बीस प्लस ग्यारह सत्तर सैतीस हजार रुपए पे कर रहा हूँ मैं टोटल अभी तक तो मैं आप लोग सोचेंगे क्या बेवकूफ इंसान है कि सैतीस uh, हजार पे करके नेगेटिव में चल रहा है लेकिन थोड़े थोड़ी दिन तक रुक जाइए ये पॉजिटिव होएगा आराम से होएगा uh, स्मृति साथ ही लाइक कर दे थैंक यू गाइस जो भी वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो यार लाइक करने से थोड़ा तो मोटिवेशन मिल जाता है ट्राई टी एफ मैं बेसिकली ईटीएफ में लगाता नहीं हूँ आइधर म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैश में लगाता हूँ जिस मतलब बट ईटीएफ यू काफी अच्छा है जो कोई भी स्टॉक्स में ना लगा कि ईटीएफ ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अंकुर उपाध्याय पैसा ही पैसा फोर्टी के प्रॉफिट हुआ था भाई <laughs> सात एक सप्ताह हफ्ता पहले हुआ था फोर्टी के प्रॉफिट आज तो काफी नेगेटिव आ गया तो ऐसे ही होने वाला है क्योंकि स्मॉल कैश काफी आ, स्मॉल काफी कॉन्सेंट्रेट रहता है और काफी हाई रिस्क भी रहता है तो एक दिन पैसा ही वैसा होगा एक दिन कंगाल के जैसे रहना होगा जैसे आज मैं रह रहा हूँ तो ये तो नॉर्मल है अच्छा ओ एम एम जी माई पोर्टफोलियो इन को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मंथली एस आई पी फ्लेक्सी कैप में है और इज इट गुड देखिए आई डोंट नो मच अवर इन्वेस्टमेंट सो आई स्टार्टी लोअर एस आई पी अमाउंट को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, काफी अच्छा फंड है ठीक है ये काफी अच्छा फंड है रिसेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं दो, दो तीन हफ्ते से लेकिन ये काफी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन, फंड है आप कंसीडर कर सकते हैं इसको और जेएम फ्लेक्सी का वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी का फंड है आप दोनों ही चूज किए काफी अच्छा चूज किया इसके साथ मैं मैं बोलूंगा आपको अगर चाहिए तो एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप लेना एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप लेके आप एड कर सकते हैं आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट बैठ जाएगा टेंजो uh, गेमिंग बोल रहा है मेक अ वीडियो ऑन कंपैरिजन ऑफ जीआई स्मॉल स्प्रिंटर 10 वर्सेस ओमनी स्मॉल सुपर रन फॉर सिलेक्टिंग जो भी स्मॉल केस का वीडियो देखते हैं या स्मॉल केस का आइडिया रखते हैं उन लोगों को पता ही लग जाएगा कि दोनों में से कौन सा है कौन सा बेटर है ये तो ऑबियस बात है कौन सा बेटर है अभी मैं बताऊंगा नहीं ठीक है आपका वीडियो एक आपके कमेंट से एक वीडियो कर, कर भी दूंगा मैं लेकिन ये काफी ऑब्वियस है कौन सा बेटर है रूपेश बोल रहा है कि ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओमनी फ्यूचर मोबिलिटी ओमनी फ्यूचर मोबिलिटी अच्छा है लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन फीस काफी आ, मतलब जो है उन उसके हिसाब से आपका जो पैसा है कॉर्पस देना पड़ेगा थ्री पॉइंट फोर रुपीज ठीक है और ये काफी हाई स्टॉक्स भी रखता है काफी हाई स्टॉक्स भी रखता है फोर्टी स्टॉक्स रखता है जो कि मेरे लाइकिंग के हिसाब से काफी हाई है बाकी आप देख लीजिए

भलाई हो रहा है तो कमेंट्स में लिखिए कि कुछ इफेक्ट्स तो आप लोगों को मिल रहा है ट्रैवलिंग फुटप्रिंट्स रहा है कि ब्रदर मैंने ईच किया था ग्रो ऐप से फाइव लैख निप इंडिया मिड कैप में और वो इन प्रोग्रेस आ रहा है आठ दिन से एंड निपॉन इंडिया ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ ई के वाई सी वेरिफिकेशन रिजेक्टेड बट पेमेंट स्टक है आठ दिन से 1.5 लाख का एंड ग्रो ऐप पे भी नई ग्रो ऐप पे भी इन प्रोग्रेस है एंड नो वन कस्टमर केयर सर्विस इज तो बेसिकली इनका जो चीज है तो आठ से दस दिन तक वेट करना चाहिए आप लोगों को आपको अगर आप रिजेक्ट uh, कर दी अगर रिजेक्ट अगर पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है ठीक है मैं देखा था तो मैं कमेंट भी किया था इनको को इनका जो प्रोसेस है तो आठ से दस दिन ए टू टेन बिजनेस डेज नॉट ए टू टेन डेज तो ए टू टेन बिजनेस डेज मतलब सोमवार से शुक्रवार तक सोमवार से शुक्रवार दस दिन पकड़ो मतलब दो हफ्ता मान के चलो दो हफ्ता में अगर नहीं आए तो उनको फिर से मेल भेजो लेकिन इनका दो हफ्ता टाइम लग जाता है जनरली अनिमे सिंह बोल रहे हैं अरे दादा बहुत बहुत धन्यवाद मैं इनका रिव्यू किया था पोर्टफोलियो तो थैंक यू नो प्रॉब्लम मैं बोल रहा है, फिर से मुझे कोई गोल नहीं है ओनली वेल्थ क्रिएशन टारगेट है इसलिए ओनली ये बेसिकली तीन चार स्मॉल कैप्स लेके रखे थे तो मैं इनको बोला था कि स्मॉल कैप्स तो ठीक है गोल क्रिएशन के लिए लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेक्सी और मिड कैप भी रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में ताकि जब भी अगर कुछ कुछ पैसा उठाना भी चाहे आप तो एटलीस्ट कुछ ऑप्शन रहे आपके पास तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है भैया रियल में कितना भी गिर जाए मुझे डर नहीं है हाँ ठीक है आप देख लीजिए वो बात अंकुरु पता बोल रहे में दो हजार भी बढ़ा दिया टोटल सात हजार का हो गया है भाई ये तो आप सही किए दो हजार का बढ़ा दियो लेकिन याद रहे ये लॉन्ग लंबे समय तक रखना है आपको कमती समय पर रखोगे आपका दिक्कत हो सकता है ये सेम कमेंट है ऊपर चलते हैं महिंद्रा मानूला स्मॉल कैप में मैंने दस हजार आ, मैं दस जुलाई को वन फिफ्टी नाइन को छः हजार रुपये लमसम किया है बट मुझे ग्यारह जुलाई का ऐसा भी मिला है ऑब्वियसली आपको मिलेगा ग्यारह जुलाई का वन फिफ्टी नाइन पी एम को क्यों किए हैं आप देखिए आप समझिए एक बात आप अगर ग्रो ऐप या जो भी आपके ब्रोकर है अगर आप वन फिफ्टी नाइन को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है कुछ सेकेंड्स लगता है वो पहुंचता है बीच का कुछ ट्रांजेक्शन अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन रहता है ठीक है मान लीजिए ग्रो ऐप का कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहता है फिर उसके बाद मान लीजिए आप महिंद्रा मानोलाइफ का में किए हैं महिंद्रा मानू लाइफ का भी बैंक रहेगा ना वो तो अकेला को नहीं रिसीव कर पाएगा उसका भी बैंक रहेगा वो आप ग्रो का बैंक उसके बाद महिंद्रा मानोलाइफ का बैंक दोनों का ट्रांजेक्शन अप्रूव करने के बाद महिंद्रा मानोलाइफ के बैंक अकाउंट में हिट करेगा पैसा तो ये ये तीन चार चीज करने में ही आपका 15-20 मिनट का टाइम लग जाएगा तो 159 में से कभी नहीं हो, हो पाएगा आपको सेफ्टी में रखने के लिए एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 130 से पहले करना चाहिए आप लोगों को ट्रांजेक्शन अगर करना है तो म्यूचुअल फंड में वन से पहले सेफ्टी से सेफ्टी में रहने के लिए एक बजे से पहले कर दो भाई तो ऐसा 159 से करने से नहीं होगा मुकेश जी बोल रहा है नाइस थैंक यू फॉर योर कमेंट जो मेरे का स्मॉल कैप्स के वीडियो में देख के बोले हैं अम्बरीश बोल रहे हैं है, जो भी फंड मीडिया एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रखेंगे तो मैं इनका जो फ्लेक्सी कैप का बोला था कि फ्लेक्सी कैप का कंपेरिजन क्या था रिसेंटली कौन कौन सा फ्लेक्सी कैप अच्छा रिटर्न दे रहा है जेएम एम फ्लेक्सी काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली जेएम फ्लेक्सी कैप का मेन मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन है तो मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि जिन लोगों को कंजर्वेटिव जाना चाहिए पड़ा पड़ा फ्लेक्सी कैप के पास जाओ भाई और जिन लोगों का भी फ्लेक्सी कैप रखने के बावजूद भी थोड़ा रिटर्न चाहिए तो जेएम फ्लेक्सी फ्लेक्सी काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है सचिन बोल रहा है माय चैनल माइक्रो इन्वेस्टिंग भाई इनका चैनल प्रमोशन कर रहा है ये सचिन के वाई के एम वाई के एम टी वाई टी मेरे चैनल के थ्रू से भाई इनका चैनल में जाके थोड़ा तो इनका भी लाइक वगैरह सब्सक्राइब कर दो भाई खराब लगता है मैं मैं भी एक टाइम पे बहुत सारे चैनल में जाके ये सब करता था लाइक कर दो इनका श्रीधर जी बोल रहे हैं वेरी नाइस वीडियो थैंक यू सो मच प्रतिमा जी बोल रहे हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू सो मच प्रतिमा जी प्रतिमा जी फिर से बोल रहे हैं प्रतिम सुपर मल्टीप्लाइज इज सून गोइंग टू रिबैलेंस एज टू वेल बिल्डर्स इज नॉट इज नॉट देयर इन लिया ये क्या है एज टू आपका टाइप होगा शायद विच हैज गिवन सेवन क्या है ये The list is, uh, मैं क्या लिखा था मैं जो जोली रिबाउंडली वीक, राउंड अप का जो वीडियो किया था वहां पे एच टू वेल्थ बिल्डर्स इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि दो हफ्ता जो कंसिडर किया था मैंने वहां पे एच टू वेल्थ बिल्डर्स एक दो परसेंट से ज्यादा नहीं, नहीं दिया था इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया था तो यही बोल रहा है कि एच टू बिल्डर्स को आप, आप लोग इंक्लूड नहीं किए सेवन परसेंट रिटर्न दिया है एक मंथ पे मैं एक मंथ का चीज़ कंसिडर नहीं किया था अपने वीकली राउंड अप पे।, पे देख सकते हो वीकली राउंड अप है ये वीकली राउंड मैं लास्ट टू वीक्स का डेटा देट, लिया था इसलिए एच टू का कंसिडर नहीं हुआ है डॉक्टर नीरव परमार बोल रहे हैं प्रती यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब फॉर मेकिंग दिस टू सी ग्रेट हो भाई थैंक यू सर थैंक यू सो मच आप डॉक्टर हो आपके तरफ से ये सब कमेंट uh, आता है तो काफी अच्छा लगता है थैंक यू सो मच गाइस अरुण कुमार बोल रहे हैं थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स एंड वर्क आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू प्लीज शेयर यू ई मेल आई डी आई कोड रीच यू आउट मैं इनका मेरा ई मेल डाल दिया और मैं गाइज रिसेंटली एक मेरा इंस्टाग्राम uh, भी बना रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम मेरा ऑलरेडी है वो जो मैं उसको ऑफिशियल बना रहा हूँ तो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ दुर्गेश भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सात महीने से बहुत सारा कमेंट्स हो गया रेप्लिका है पूरा पूरा रेप्लिका कंसिडर किया है माइक्रो टू फिफ्टी ने तो दो सौ साठ और दो सौ चालीस दो मतलब चार सौ पांच सौ रुपए का ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव आ गया मेरा आज का दिन में तो काफी सारे नेगेटिव आया है 5,500 हजार सौ का टोटल प्रॉफिट है यहाँ पर चार हजार दो सौ का टोटल प्रॉफिट है महीना मामला है टू हंड्रेड ट्वेंटी टू का लॉस है सिक्स थाउजेंड का टोटल प्रॉफिट है ऊपर चलते हैं आदित्य बिरला पी एस यू देखिए क्या आ है सारे नेगेटिव है ऑलरेडी कौन इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मोदी कप जीरो पॉइंट फोर सिक्स दो सौ दस एक सौ छब्बीस दो सौ इक्कीस सारे नेगेटिव है नेगेटिव के नेगेटिव Case, 200, case, क्या अगर आया है तो बताओ भाई मैं कल ही लेने वाला हूं वो फंड अगर अगर किसी का भी कोई भी फंड में एक्सेप्ट डेट फंड ऑब्वियसली एक्सेप्ट डेट फंड एक्सेप्ट डेट फंड या फिर हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड का मैं बोल रहा हूँ इक्विटी फंड में कोई किसी का भी पॉजिटिव आया कि नहीं कल कल काफी काफी नेगेटिव था यार तो टोटल का बात करता थाउजेंड पे आके रुका है भाई कितना हो गया था ये लोकते, लोकते, ये सत्तर हजार है एक दिन का बात करो यहाँ पे देख सकते हैं का है, का लॉस है है वन डे जो कि अभी भी ठीक दिख रहा है ठीक है अभी भी ठीक दिखता है सेवेंटी थाउजेंड का टोटल प्रॉफिट है अच्छा ठीक है अभी चलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो की तरफ आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं ठीक है हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आज जनवरी ट्वेंटी फोर से डेटा लिया हुआ है टिल जुलाई जुलाई फर्स्ट ठीक है सात एस आई पी गया हुआ सेवन एस आई पी ठीक है इक्विटी में नाइन्टी टू परसेंट और बाकी सब एट uh, परसेंट पैसा जा रहा है डेट और ऑल्टरनेट पे नीचे चलते हैं ये काफी भारी भरकम हेवी एक पोर्टफोलियो है गाइस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ग्यारह भाई इनके पास इलेवन फंड और साढ़े में ही दो हजार का पोर्टफोलियो दो हजार का एस आई पी का चल रहा है तो ये एक अनोखा चीज है कि ग्यारह एस आई पी ग्यारह फंड है और दोनों सभी में दो हजार का एस आई पी तो टू इंटू इलेवन ट्वेंटी टू थाउजेंड का इनका एस आई पी चल रहा है साढ़े में ही परसेंटेज पोर्टफोलियो दस से कम है जो कि अच्छा अच्छी बात नहीं है

एक क्वांट दो क्वांट, तीन क्वांट, चार क्वांट, चार क्वांट हो गया टाटा स्मॉल यूटीआई निफ्टी फिफ्टी भाई पूरा खिचड़ी हो गया ये पोर्टफोलियो क्या ही मैं क्या ही मैं रिव्यू करूं इसका भाई

निपोन इंडिया स्मॉल का 16.8, पॉइंट 16 दिया है मान इन लाइफ और 16.2 दिया है टाटा स्मॉल कैप ठीक है ये तीन हाईएस्ट दिया है इसे चलते हैं गाइस मैं सिर्व रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में आपके एजुकेशन नॉलेज के लिए है और कुछ भी आपको चेंज करना हुआ तो आपके खुद के डिस्कशन में चेंज कर दीजिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और गाइस प्लीज़ कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो दिक्कत नहीं है छोड़ दीजिए अच्छा जाइंट में और लार्ज में थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन पॉइंट मिलेगा फोर्टी एट परसेंट है लार्ज कैप में मिड कैप में है थर्टी वन स्मॉल कैप में है ट्वेंटी वन जो कि ठीक ठाक है ग्रोथ स्टाइल लार्ज कैप में इन इन्वे, इन्वेस्टिंग चल रहा है फिनेंशियल में है ट्वेंटी थ्री जो कि लेस देन ट्वेंटी होना चाहिए जो कि आइडियल है मेटेरियल्स थर्टीन इंडस्ट्रियल से थर्टीन इसका इसका डिफरेंस टेन परसेंट से लेस होना चाहिए जो कि टेन परसेंट है इट्स फाइन एनर्जी <coughs> है 12 कंज्यूमर इज कर 11 टेक्नोलॉजी है 9.57 जो कि छठे पे आते-आते 10% मेंटेन कर रहा है इट्स फाइन देखिए डाइवर्सिफिकेशन के मामले में दिस इज गुड नो प्रॉब्लम विद इट नीचे चलते हैं कौन-कौन सा कंपनीज है एचडीएफसी जायंट रिलायंस इना इज जायंट सनवद्रा मॉडर्सन लार्ज तो जायंट 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 लार्ज लस काफी सारे जायंट और लार्ज है सेल आ ठीक कब तक ये सेल गॉड गोड ये लार्ज कैप होने वाला है. जाएं, 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 जाएं। सारे और cap, है तो ग्रोथ का जितना रहेगा आपके पोर्टफोलियो में ठीक है जितना रहेगा, ग्रोथ उतना, उतना आएगा. ये तो सीधी बात है तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1.27 ड्यू टू पराक और बाकी पैसा इंडिया में आ रहा है तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है फाइनल सोल्यूशन के बारे में जिसे तो ये डिटेल्स दिए है ऑल टू थाउजेंड जो काफी भारी भर का एस का अमाउंट है तो 2000 लेके आप जो बताया है देखिए आपका क्या है एक हो गया स्मॉल कैप दूसरा हो गया स्मॉल कैप तीसरा हो गया स्मॉल कैप ठीक है चौथा हो गया स्मॉल कैप पांचवा हो गया small... इतना स्मॉल कैप लेके करेंगे क्या भाई तो आप तो पूरा स्टॉक मार्केट खरीद लिए ऐसे दो स्मॉल कैप का जो 250 है 250 का क्रॉस कर गए आप तो इससे बेटर आप तो एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ले लेते तो इसका इतना पांच पांच एक्टिव फंड आपका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा जा रहा है आप इतना स्टॉक्स भी ज्यादा ले रहे हैं तो फायदा क्या हो इतना फायदा नहीं है भाई ईएलएसएस का भी ईएलएसएस एक है फ्लेक्सी का दो फ्लेक्सी एक पारेक्सी क्वान फ्लेक्सी दोनों का लेके कोई फायदा नहीं एक फ्लेक्सी को रखो ठीक है, है, है ये इंफ्रास्ट्रक्चर uh, एक है मिड कैप एक है और यूटी निफ्टी फिफ्टी भी आप रखे हो अच्छा पांच स्मॉल कैप के साथ आप निफ्टी यूटीआई निफ्टी फिफ्टी भी रखे हो माई गॉड देखिए आपका सीधा सीधा मैं आप बहुत कंफ्यूज हो पहली बात तो ये है आप एक काम करो पहली बात तो एक फ्लेक्सी कैप रखो ठीक है उतना दिमाग मत लगाओ एक फ्लेक्सी कैप रखो दूसरा एक मिड कैप रखो तीसरा एक लो रिस्क स्मॉल कैप रखो रिस्क स्मॉल चौथा एक हाई रिस्क स्मॉल रखो पांचवा एक सेक्टोरल रखो ये पांच फंड से आपका काम चल जाएगा यहाँ पे एलोकेट करो थर्टी परसेंट मिड कैप में ट्वेंटी परसेंट यहाँ पेवेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स सेवेंटी ठीक है बाकी पंद्रह परसेंट यहाँ पे पंद्रह परसेंट यहाँ पे डाल दो बस खत्म आपका कुछ नहीं चाहिए और भाई ग्यारह पंद्रह फंड्स क्यों लेके रखे हो दो आप, आपका बाईस हजार का एस आई पी है राइट बाईस हजार का एस आई पी ऐसे बांट दोन फिफ्टीन परसेंटेज के हिसाब से और कुछ नहीं चाहिए आपको डायरेक्टली ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा गाइस अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पसंद आ रहा है तो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को थैंक यू सो मच फॉर हैव वेरी गुड डे